lessons I conducted with the children was an interesting experience for me especially, because I didn't really do any teaching before. And the purpose for this was for EM students to learn use more Cantonese, because it's been quite some time since they actually use Cantonese in their life. Thank you everyone. It helped local students to learn English and learn different cultures. हमारे जो इन्होंने बूथ किया था तो उसमें मैंने बेडशीट लगाई थी, कुशन लगाए थे, पाकिस्तानी थ्री पीस सूट लगाए थे और ख़ासकर चाइनीज़ बहुत पसंद कर रहे थे जो पाकिस्तानी थ्री पीस सूट थे हमारे, बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम समझते थे कि हमें लैंग्वेज का मसला है, हम बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगा कि हम बाहर निकल के कुछ काम कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। चाइनीज़ भी, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी सब बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। हाँ, पिछले साल आए थे, अच्छा लगा के पूछा किसी ने हमसे, और भी कुछ जो भी देते वगैरह हो तो ये किट्स वगैरह दी, मास्क वगैरह दिए, इसके लिए भी हम लोगों को बाय नहीं करना पड़ा, इन लोगों से मिलते रहे। सिक्स मंथ के लिए इन लोगों ने हम लोगों को, उस वक्त जॉब भी नहीं थी, ठीक है, जॉब नहीं थी तो कोई काम कर रहा था कोई नहीं कर रहा था, तो फिर सिक्स मंथ के लिए इन लोगों ने हम लोगों को राशन सपोर्ट किया, वो परफेक्ट था। आप लोग विजिट करते हो माई होम, ठीक है, हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हो, ठीक है, वो परफेक्ट है हम लोगों के लिए, कोई भी सलूशन है वो देते हो। हर साल आओ आओ, सबके प्रॉब्लम सुनो, जो भी मसले मसाइल है वो करो तो उसको सॉल्व करो। वेरी गुड। Few families actually who actually couldn't find a tutor for their children, and then so we got this information and then we passed it off to the NGO Zubin Foundation, and then they're trying to find some tutors that can help them.